राजनीतिक अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें मॉलिटिक्स और प्रेस करें बेल आइकन। गिरिराज सिंह चुनाव लड़ने के लिए चाहते थे नवादा की सीट, लेकिन हाईकमान ने उन्हें दिया बेगूसराय। रूठे भी, लेकिन हाईकमान के दबाव के आगे अंततः मान भी गए। प्रचार के शुरुआती दिन में थोड़े थोड़े फीके भी दिखे। उनके सामने थे जेएनयू के पूर्व छात्र और युवा फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार, और महागठबंधन में उतारा था तनवीर हसन को। कन्हैया के लिए ये लड़ाई शुरू से ही मुश्किल रही। एक तरफ बीजेपी का प्रतिद्वंद्वी, दूसरी तरफ महागठबंधन के तनवीर हसन। मुकाबला सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और तेजस्वी यादव से था, लेकिन कन्हैया हारे नहीं। वे लड़े, और ऐसा लड़े कि प्रचार के दिनों से वोटिंग तक लगभग शीर्ष पर ही बने रहे। कई जमीनी रिपोर्ट्स ने भी यही दावा किया कि कन्हैया जीतेंगे। संभावनाएं यही दिख रही थी कि बेगूसराय में कन्हैया जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन अंततः संभावनाएं बादल में छिप गई और मतदाताओं के रडार में आ नहीं पाई। गिरिराज सिंह जो कहा करते थे कि जो मोदी की रैली में नहीं जाएगा उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उसे बेगूसराय के लोगों ने अपना लिया है। कम से कम चुनाव परिणाम यही कहते हैं। हालांकि जदयू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, जो कि बिहार में सरकार चला रहा है, उसने बिहार के लिए कोई अभूतपूर्व काम कर दिया हो, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क आदि पर कोई सराहनीय कदम उठाया हो, ऐसा भी नहीं है। बल्कि मुजफ्फरपुर में जो शेल्टर होम में बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ और उसके जो सियासी गठजोड़ सामने आए, उसने बिहार को पूरे देश में शर्मसार कर दिया। अन्य प्रदेशों में बिहारवासियों के खिलाफ जो ज्यादतियां हो रही थी, वो भी रुकी नहीं। इन सब के बावजूद बिहार में लोगों ने अपनी आस्था दिखाई है नीतीश कुमार के जदयू और भारतीय जनता पार्टी की तरफ। मतलब साफ है, बिहार में और बेगूसराय में भी वोटिंग मुद्दों को लेकर नहीं हुई, वोटिंग एक चेहरे पर हुई है, वोटिंग मीडिया के द्वारा बनाई गई छवि पर हुई है, और वोटिंग राष्ट्रवाद के उन्माद पर हुई है। अन्य लोकसभा क्षेत्रों का क्या हाल है, हम लाते रहेंगे आपके सामने। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स और सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर साझा करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज़।